श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुज अग्रवाल अजमेर तनिष्क शोरूम से, अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष्क की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। पूरे देश में दिवाली के त्यौहार को लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। बेहद नज़दीक दिवाली का जो त्यौहार है वो आ गया है। जगह जगह से खबर आ रही है कि आर्थिक मंदी का दौर देखा जा रहा है। ऑटोमोबाइल और रियल जो इस्टेट का सेक्टर है वो पूरी तरीके से मंदी के प्रभावों के अंदर प्रभावित हो चुका है। लेकिन पूरे भारत के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ और वो खुशखबरी ये है कि चीन को टक्कर देने के लिए जो मुहिम आरएसएस और बीजेपी ने शुरू की थी, उस मुहिम का असर अब दिखाई देने लग गया है। और उस मुहिम के चलते ही जो स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की जो मुहिम शुरू हुई थी, उसका असर अजमेर से देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कुमार के घर पर, जो दिवाली के लिए इस वक्त जो दीपक होते हैं मिट्टी के, उसको तैयार कर रहे हैं। और जब इनसे हमने बातचीत की तो इन्होंने हमको बताया कि इस बार दिवाली के लिए जो मिट्टी के दीपक हैं उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। हमने बाज़ार में देखा था कि चाइनीज़ दीपक जो लाइट वाले होते हैं उनमें बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन उनकी बढ़ोतरी में अब कमी देखी जा रही है और ये जो मिट्टी के दीपक है इसके अंदर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनसे हम जान लेते हैं एक दिन में कितने दिए ये बनाते हैं, किस तरीके से कितने दिन में ये पककर बाज़ार में आ जाते हैं और उसके बाद इस बार बाज़ार में हालात क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। एमडी मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। मेरा नाम गोपाल कुमार प्रजापति। गोपाल जी, ये बताइए कि ये मिट्टी के दियों को लेकर इस बार बाज़ार कैसा है, सबसे पहले तो ये बताइए आप। इस बार मिट्टी का आइटम बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया प्रभावित हुआ है और बहुत अच्छा प्रचलन में है इस बार प्रचलन में। अच्छा, आप कुछ साल पहले, दो साल पहले हम जब बाज़ार में देखते तो चाइनीज़ दियों की बहुत डिमांड हो गई थी, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि मिट्टी के दियों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हमने चाइना को पीछे कर दिया ऐसे? बिल्कुल पीछे कर दिया है। इस बार चाइना का आइटम पब्लिक पसंद ही नहीं कर रही और हमें प्रोत्साहन दे रही है पब्लिक। आप लोगों को प्रोत्साहन अब दे रही है। अच्छा, जो दिए एक दिन में आप कितना बना लेते हैं, आपको कितना वक्त लगता है और इसको पकाने में और बाज़ार में पहुंचाने में टोटल कितना समय लग जाता है? एक व्यक्ति कम से कम 3 से 4 हज़ार दिए बना लेता है, लेकिन मार्केट में आने में इसको 3 से 4 दिन लगते हैं पकने के बाद। और पकने की बनाने के बाद पक के जाता है 3-4 दिन लगते हैं। कितने रुपये कमा लेते हैं एक दिन में? करीब 500 रुपये कमा लेते हैं। अच्छा, पहले आपके इलाके के अंदर बहुत सारे लोग दियों को बनाते थे, अभी भी उतने ही हैं या उसमें कमी आ गई? कमी आ गई है, कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, उन्होंने काम बंद कर दिया है। युवा पीढ़ी इस काम को नहीं करती, लेकिन अब आगे करने लगेगी, प्रोत्साहन मिलेगा तो अब करने लगेगी। यानी कि सरकार कोशिश करे कि मिट्टी के दियों में बढ़ोतरी प्रोत्साहन कहीं ना कहीं ऐसे उत्पादों को लेकर की तरफ से यदि कोई प्रोत्साहन मिलेगा तो नया युवा जो है इस चीज़ को आगे जरूर बढ़ाएगा। क्या इसके अलावा कुछ और भी आप बनाते हैं मिट्टी से? मिट्टी के कुल्हड़ है, चाय के कुल्हड़ है, दूध के कुल्हड़, काफ़ी आइटम बनाते हैं। उनमें भी बढ़ोतरी दिखी? बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है। प्लास्टिक, जब से प्लास्टिक बंद हुई है चाय का कुल्लड़ों में काफ़ी प्रभावित हुआ है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये फैसला भी अच्छा है सरकार का, बहुत अच्छा प्लास्टिक हमारे कुमारों के लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ है। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। तो मोदी सरकार और बीजेपी और RSS के नेताओं के लिए ये खुशखबरी है कि जो कुमार जो ये मिट्टी का जो उत्पाद बनाते थे, इनका जो पेशा था, इनका जो धंधा कारोबार था, वो पूरी तरीके से जो ठप हो रहा था चाइना की वजह से, उसके अंदर अब बढ़ोतरी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक को बैन करने की योजना पर काम करना शुरू किया है, तब से कुम्हारों के जीवन में सुधार देखा जा रहा है। लेकिन कुछ कुम्हारों की ये भी मांग है कि राज्य और केंद्र की सरकारें इनके प्रोत्साहन के लिए कुछ और नई योजनाएँ ऐसी लाएँ जिससे कि युवा पीढ़ी इस कारोबार में हाथ आजमाएं। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।